पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले यहां पूरे प्रदेश से चुनावी हिंसा की कई खबरें आ रही हैं। इस हिंसा में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस हिंसा को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। सुनवाई 20 जून को होगी। इस बीच दक्षिण दिजनापुर जिले की अपर्णा बर्मन ने एक इतिहास रच दिया है। वे मतदान से पहले निर्विरोध चुनाव जीत गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए वोट 8 जुलाई को डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही अपर्णा बर्मन ने जीत हासिल कर ली है। मतदान से पहले वे राज्य में किसी भी चुनाव में निर्विरोध जीतने वाली बीजेपी की पहली प्रत्याशी बन गई हैं। अब तक सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही निर्विरोध जीतते रहे हैं। अपर्णा जिस सीट पर जीती हैं, वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के गृह जिले में आती है। अपर्णा ने उदय ग्राम पंचायत से पर्चा भरा था। जाहिर है अपर्णा की इस जीत से बीजेपी खेमे में भारी उत्साह है और पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में पंचायत चुनाव को बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनावों के लिए बड़ी तैयारी के रूप में ले रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और राज्य में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उसे पंचायत चुनाव सबसे उचित मौका लग रहा है। पिछली बार बीजेपी ने यहां 18 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी और राज्य में उसके 70 विधायक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इस चौंकाने वाली जीत ने ही विधानसभा चुनाव में उसे दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। बीजेपी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत बढ़ा रही है और उसे उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ता जीतेंगे और अपर्णा की जीत कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीनी तैयारियों की भी समीक्षा हो जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।